बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। भगवा रक्षा वाहिनी ने मुरादाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भगवा रक्षा वाहिनी ने 22 दिसंबर को 8 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए रेप के पीड़ितों को सजा दिलाने की मांग की और साथ ही नाबालिग के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। जवाब के रूप में ऐसा तो नहीं है कि कोई चिकित्सा था, कोई मानसिक था, रेस की बात नहीं थी, रेस हुआ है ये सही है और यहाँ से लेकर मेरठ तक इलाज इलाज कराया था और प्रयास कर रहा लगातार और कार्यवाही की रफ्तारी होगी सही गिरता है। डेढ़ साल से अभी पता लगाया जा रहा और निश्चित रूप से जो भी पकड़ा जाएगा सही। मगर उसके ट्रीटमेंट के लिए सरकारी सुविधाओं तो मुहैया करा सकती है सरकार, तो 8 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात हुई है कि उसके टॉयलेट और बाथरूम की रास्ता कट के यहाँ पर थैली बन गई हो, इस तरीके से घटना हुई है। इलाज हुआ यहाँ भी सरकारी, जो उसके परिवार है, जो उसका परिवार है इतना गरीब तरीके से का परिवार है कि घर पर फूट पड़े हुए हैं और किस तरह से उसकी कंडीशन है कि सुबह को अगर वो कमाएगा तो ही शाम को खा पाएगा, तो उस चीज़ को लेते हुए हम देश से ये आग्रह करने आए कि निवेदन करने आए कि संपर्क में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा के लिए उसके लिए दिया जाए कुछ और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे उसमें करवाया जाए। ट्रीटमेंट तो खैर करवाया गया अच्छा ही, लेकिन अब आर्थिक सहायता की बात तो डीएम साहब ही कर सकते हैं। यही चीज़ डीएम साहब से।